या वाइल्ड लाइफ का बिल्कुल मजा लीजिए। लाइफ ये रहा वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का सर। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं। अब इसको कटवा के देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। ये निकल रहा है अंदर से। धन्यवाद यार, ये निकला वाइट वाइट सा। इसको रखते हैं, खा के टेस्ट बताता हूँ आपको कैसा लग रहा है टेस्ट इसका। काफ़ी अच्छा टेस्ट यार, मज़ा आ रहा है खाने में, बिल्कुल भी मज़ा आ रहा है। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप आप सब मस्त होंगे। मैं फ़िलहाल हूँ तिरुपति और यागंती से मैं डायरेक्ट तिरुपति आया था। रात को ही ट्रेन पकड़ लिया और बारिश तो भाई वहाँ पे बहुत हो रही थी, तो रात का वीडियो मैं नहीं बनाया क्योंकि यार रात में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मज़ा भी नहीं आता, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो फ़िलहाल मैं हूँ तिरुपति और मैं जा रहा हूँ दर्शन करने तिरुपति जी के, जो यहाँ का सबसे पवित्र और बहुत ही उस मंदिर की मान्यता है। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने पैदल ही रास्ता पकड़ा है। मॉर्निंग में जब मैं सोया था तो किसी ने मेरा स्लीपर लेके भाग गया, तो बिना स्लीपर के ही जा रहा हूँ बिल्कुल पैदल। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ है और मेरे सामने का मार्केट है, मार्केट नहीं है मतलब रास्ता है, ऐसा कुछ है। मैं आ रहा हूँ इधर से और जाना इस तरफ। वहाँ ऊपर आपको हल्का हल्का सा पहाड़ी दिख रही होगी, उस पहाड़ी पे टेंपल है तो चढ़ के जाना है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं काफ़ी दूर हूँ। तो यार भाई नारियल पानी खाने के बाद, मतलब नारियल पानी पीने के बाद और उसके अंदर का खाने के बाद भी शरीर में तो कुछ जान आया है, लेकिन बैग इतना वज़न है ना कि यार थक जा रहा हूँ। मतलब अभी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद इधर सामने तरफ जाना है और यहाँ चौराहा है मतलब इधर से जाना है। मतलब रोड देख रहा है बिल्कुल भी साफ़ है, मतलब सामने का जो है और उधर सामने पहाड़ उस पर जाना है। तो मैंने थोड़ा पूछताछ की तो पता चला है कि सीढ़ियों से ऊपर जाना है, अभी वो 500 मीटर की दूरी पे है। तो फिलहाल थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ओहो तो यार ऊपर 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 पूरा ऊपर, चारों तरफ से ये जंगल है और इधर मंदिर है। ये रास्ता सामने मंदिर तक जाता है, मेन जो टेम्पल है पैदल रास्ता है। ये फिलहाल बंद है, जाता है इधर से आते हैं हम लोग। तो भाई हमने सिक्योरिटी चेकिंग करा ली है, वहाँ सब कुछ चेक होता है, बैग वैग सब, बैग अलाउ है, फोन अलाउ है, कैमरा भी अलाउ है, बिल्कुल अंदर लाना आपको ला सकते हैं आप। और हमें जाना है 9 किलोमीटर स्टेप्स चढ़ के, आप स्टेप्स देख रहे हैं 9 किलोमीटर चढ़ के जाना है बिल्कुल भी। जो आप दिया देख रहे हैं ना जो जल रहा है, ये जिन्होंने मन्नत मांगा था वो जलाते हुए जा रहे हैं, वो लड़की सामने दिख रही है वो पूरा 9 किलोमीटर इसको जलाती हुई जाएगी, कपूर 9 किलोमीटर। और कुछ लोग तो ये आप सीढ़ियों पर जो देख रहे हैं रेड रेड लाल कलर और हल्दी, तो कुछ लोग हल्दी क्या करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे हल्दी लगाते हुए ले चलते हैं। तो भाई इतनी मान्यता है इस मंदिर की, लोग इतना सब कुछ करते हैं। तो सामने वो 9 किलोमीटर बिल्कुल जलाते हुए जाएंगे। और हमें चढ़ना है 3250 सीढ़ियाँ, जो कि काफ़ी लंबा है, लेकिन सीढ़ियाँ तो आसान है। और यहाँ पे आप कैमरा ला सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको सिक्योरिटी प्रोसेस यानी कि
आपका नाम पता, कैमरे का नाम, कैमरे का मॉडल, उसके बाद फुल एड्रेस डालना पड़ता है, सिग्नेचर लगता है, उसके बाद आप कैमरा ला सकते हैं। बैग तो यार अभी तो हम लोग को बहुत सारे सीरिया लगभग 3000 के अराउंड सीरिया चढ़नी है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, अगर आप आ रहे हैं ना यहाँ पे तो भाई बैग वैग मत लेके आना प्लीज़, नीचे जमा कर देना, नीचे फ्री लगेज जमा काउंटर है, मैंने गलती कर दी लाके, तो आप आ रहे हैं प्लीज़ नीचे बच्चे बैग वैग जमा कर, कैमरा लाना है लाइए, फ़ोन लाना है लाइए, पानी निकालिए, बट ये बैग वगैरह मत लेके आओ, बहुत टफ पड़ जा रहा है, बहुत मुश्किल आ जा रहा है, मतलब क्या बताऊँ आपको, इतनी मुश्किल आ जा रहा है कि मैं बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और बैग इतना वजन है कि शोल्डर है पूरे दर्द कर रहे हैं, और इसी में कैमरा भी पकड़े हैं हाथ से, तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो सफ़र काफ़ी बढ़िया है और चारों तरफ से नेचर से घिरा हुआ है बिल्कुल। तो यार भाई थकने के लिए तो बहुत थक गए हैं, लेकिन इस सफ़र पे जो है मज़ा बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब काफ़ी एडवेंचर है, मतलब वेले फ्लावर अगर आप कभी जाएंगे ना बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा है यहाँ पे भी, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई है, सीढ़ियों के ऊपर से जो कि बनाया गया था कि बारिश उसमें भी दिक्कत ना हो, तो बिल्कुल यहाँ की सरकार ने ये अच्छा व्यवस्था किया है श्रद्धालुओं के लिए, और यहाँ दर्शन के लिए उनके भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था देखे काफ़ी मन को खुशी मिल रही है, यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है कि घोड़े से जाइए गधे से जाइए, ऐसा कोई नहीं है, अगर आपको जाना है तो एक और रास्ता है वो शायद वहाँ तक आपको बस ले जाती है या फिर जीप ले जाती है, तो ये है पैदल पैदल अगर जाना है आपको तो ऐसे जाइए, ये नहीं कि घोड़े जाइए जैसे केदारनाथ में वहाँ पर गधों और घोड़ों से ले जाते हैं, उनको बहुत मजा आता है, तो वो ना अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर, बिल्कुल सफाई भी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पे टॉयलेट है, जगह जगह पे पानी की व्यवस्था की गई है, और दुकानें भी मिल जाएंगी। वीडियो लाइक क्या लाइक सब्सक्राइब शेयर शेयर करो। इस गेट से ले रहे हम लोग एंट्री आगे की तरफ से, पूरी की पूरी मार्केट ऊपर, इतने ऊपर मार्केट पूरी पूरी बसी है, मतलब लाइन से ही होटल सा बता नहीं सकता, इतने बड़े होटल्स लाइन से खुले हैं, तब पूरे पूरे लाइन से होटल यहाँ पे हैं, तब लेकिन एक चीज़ है मतलब यहाँ पे जो है कि खाने वगैरह महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो सारे सामान दोगुने कीमत से मिल रहे हैं आपको, जैसे कि ठंडा वगैरह आपको दोगुने कीमत, जैसे जो 15 का ठंडा है वो सीधे आपको 30 का मिलेगा, जो 30 रुपये की नारियल पानी मिलता है वहाँ पर 60 की मिल रही है, और कुछ इस तरह से रेट है, तो फिलहाल तो हम लोग अभी आ गए हैं स्लीप जगह पे, और यहाँ पे चलना बिल्कुल आसान है, तो सीढ़ियाँ नहीं है अब कुछ दूर तक, इसके बाद कुछ आगे जाकर सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी, फिलहाल तो एकदम मस्त है अभी मस्त, हम लोग मेरे ख्याल से शायद 1700-1800 सीढ़ियाँ हम लोग क्रॉस किए, तो ऐसा प्लेन रास्ता आ गया है, तो अब बिल्कुल भी चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बिल्कुल प्लेन ही प्लेन है, तो अब बिल्कुल आराम से फील हो रहा है मेरे को, तो अच्छा ही है, बट एडवेंचर सफर का मज़ा आ रहा है आज, और मैंने अभी तक कुछ भी खाया सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ वो नारियल ही मतलब खाया हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं खाया हूँ, और यहाँ पे इतनी महंगाई है कि खाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यार पैसे वैसे उतने हैं नहीं मेरे पास, तो यार बिल्कुल शानदार सा इसको बनाया गया, मतलब लाइट भी ऊपर लगी है बट अभी नहीं, रात में जलेगी तो काफ़ी अच्छी लाइट लगेगी, और चारों तरफ से सेफ्टी प्रोवाइड किया गया है, मतलब कोई भी दिक्कत चलने में आए, और यहाँ पे अनाउंसमेंट बार बार हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली हाल ही में एक बाघ ने एक लड़की को शायद मार दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी अनाउंसमेंट हो रही है, तो आप देख सकते हैं अभी 1450 सीढ़ियाँ चढ़नी है, बट ईजी सीढ़ियाँ चढ़नी है, ऐसी वाली वैसे खड़ी सीढ़ी नहीं चढ़नी है, बस ईजी चढ़नी है, तो बिल्कुल रिलैक्सिंग सा महसूस हो रहा है, तो भाई काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग 2500 सीढ़ियाँ पार कर दिए हैं, और अभी हम लोग को जाना है 1050 सीढ़ियाँ, यहाँ पे टोटल सीढ़ियों की संख्या है 3550, 3550 सीढ़ियाँ चढ़नी है आपको, अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हैं तो रोड पे आ सकते हैं, वहाँ पे बसेस
ऑटो या फिर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो उससे आ सकते हैं आप, बिल्कुल ईजी है। तो यार गाइस मेरे पीछे ये रही हाईवे, ये हाईवे जाता है उस तरफ, मतलब इस हाईवे से आप जा सकते हैं मंदिर की तरफ, और ये रहा सीढ़ियों का रास्ता, और ये रहे कृष्ण जी हमारे सामने। गाइस यार आगे ऊपर, काफ़ी ऊपर आ गए, और हमारे सामने रहे हनुमान जी। जय बजरंगबली, ये रहे हनुमान जी, और काफ़ी यहाँ भीड़ है। अब देख रहे हैं कि मंदिर तक रास्ता कौन जाता है, यहाँ का पूरा आपको मैप दिखाता हूँ कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ पे ख़त्म हुआ। ये आप देख, ये पूरा मैप है, वहाँ से स्टार्ट कर रहा है गरुड़ से और तिरुमला तक हम लोग को जाना है। इधर चलने में तो काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है, लेकिन चलना ज़्यादा स्टेप्स कम है, मतलब कि कुल मिला जुला तो वही फ़र्क पड़ेगा, चलना वही है, मतलब चलना उतना ही पड़ेगा, बस स्टेप्स कम हो गई हैं, लेकिन चलना आपको पूरा का पूरा उतना ही है। ये रहा एक और छोटा सा गेट सामने, इस गेट से कर रहे हैं बिल्कुल एंट्री। भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो ये मैं खा रहा हूँ ओनियन समोसा, ये छोटा समोसा 20 के 4 मिले हैं। अच्छा मैं कहा है कि सबसे बढ़िया ही है 20 के 4, ये है प्याज का समोसा। सही है टेस्ट। यहाँ पे बिल्कुल वाइल्ड लाइफ का भी मज़ा आ रहा है, मतलब आप यहाँ अगर आ रहे हैं दर्शन के लिए तो वाइल्ड लाइफ का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं बिना किसी रिस्क के। मतलब हमने हिरन देखे, वो भी एक नहीं 3-3 एक साथ घूम रहे थे, बिन और उधर 2 हिरन थे, छोटे छोटे हिरन थे, फिर अलग अलग किस्म के बंदर देख सकेंगे, कई किस्म के बंदर हैं यहाँ पर, और वाइल्ड लाइफ पर तो भरपूर यहाँ मज़ा मिल रहा है, आनंद ही आनंद है, क्या बताएं आपको, चारों तरफ आनंद है। यार 4 घंटा की लंबी मेहनत और चढ़ाई के बाद फाइनली स्टेप्स ख़त्म हो गए, अब बस यहाँ से पिच है और मेरे ख्याल से 1 या फिर 1.5 किलोमीटर का रास्ता बचा होगा, और सामने खूबसूरत सा व्यू मेरे देख सकते हो आप लोग, गजब का है। तो यार यहाँ पे हो रही है बारिश, क्योंकि काफ़ी हम लोग ऊंचाई पे हैं तो मौसम जो है बदलता रहता है, मानसून यहाँ पे आता जाता है, तो हो रही है हल्की हल्की सी बारिश। मैंने लगाया अच्छा था, क्योंकि शायद कैमरे के लेंस में चला जाए तो कैमरा ख़राब हो जाए, इस वजह से लगाना पड़ा अच्छा था, वैसे तो हो रही है हल्की हल्की, ताकि मैंने अच्छा था इसलिए ताकि कैमरा सेफ रहे। तो हम लोग पहुँच गए, बस थोड़ी सी दूरी जाने के बाद बैग भी जमा करना, बैग यहाँ पर आप यहाँ ऊपर भी जमा कर सकते हैं और आगे भी जमा कर सकते हैं, यहाँ पर फ़िलहाल फ्री है बिल्कुल, बैग जमा करना, फ़ोन जमा करना, कैमरा जमा करना, सब कुछ फ्री है। अभी यूट्यूब चैनल है, हाँ क्या था उस टाइम, हिंदी नाम क्या है चैनल, के राज जर्नी, के राज जर्नी, के राज जर्नी, के राज जर्नी, या के राज जर्नी। भाई कौन सा कौन, मैं यूपी से, यूपी से बोलो, बाय बाय, हाय हाय, बाय बाय नहीं, अभी तो हम लोग आए हैं यूपी से, मैं आया यार, मैंने बैग तो सब जमा कर दिया, फिलहाल कैमरा बस लिया हूँ, फ़ोन लिया हूँ, देखता हूँ मतलब कहाँ तक अलाउ रहेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी बैग जमा करना बिल्कुल फ्री है, आपको एक हॉल मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री, और एक लॉकर मिलेगा, और आधार कार्ड यहाँ पे सबसे ज़रूरी है आपको आधार कार्ड लाना, तो अगर आप बिना आधार कार्ड के आ रहे हैं तो भाई आपके साथ बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, भाई आपको आधार कार्ड ले ही के आना है तो ले ही के आना है, बिना आधार कार्ड के आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना लॉकर मिलेगा ना हॉल मिलेगा, क्योंकि इससे पर्ची आधार कार्ड से ही मिला के कट रही है, वो भी आपका फेस मैच भी कर रहे हैं, मतलब आधार कार्ड फ़ोन नंबर पड़ेगा, फिर उसके बाद फेस मैच हो रहा है, उसके बाद पर्ची मिल रही है आपको, ऐसे आप
किसी और का आधार कार्ड एडिट करके लाएंगे तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, तो आपको नहीं मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो मतलब यहाँ पे आने के लिए आपको आधार कार्ड कंपलसरी है, और यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट है यार। देखो पूरा का पूरा मार्केट है यार, इतना लंबा मार्केट है। और इधर से हम लोग आए हैं, तो फिलहाल तो यहाँ पे मेरे को लगी है बहुत तगड़ी भूख, और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन के बाद। वहाँ लंगर भी लगता है, फ्री खाना भी मिलता है, तो सबसे पहले जाके वहाँ भरपेट दर्शन करने के बाद खाना खाऊंगा, उसके बाद रेस्ट करूंगा। उसके बाद अभी तो यहाँ बारिश हो रहा है तो उतना घूमने का मन नहीं कर रहा, बट अभी बारिश काफ़ी कम हो गई है, तो दर्शन करने के बाद अच्छी जगह यहाँ पे कुछ देखेंगे जहाँ पे घूमने के लिए अच्छा अच्छा जगह हो। यार यहाँ तो पूरा का पूरा मार्केट अवेलेबल है, मतलब कि हर चीज़ की दुकान है, मतलब इतना बड़ा मार्केट इतने बड़े पहाड़ के ऊपर, सोच के अनबिलीवेबल। मैं तो यार सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे बना कैसे होगा, बट भक्ति है तो कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, कुछ भी आप देख सकते हैं, रेस्टोरेंट, लॉज, रूम, नॉन एसी, एसी, अतिरिक्त पानी मिल जाए, बर्तन, कॉस्मेटिक्स, खिलौने, कपड़े की दुकान, हर चीज़ है, मेडिकल, चूड़ियाँ, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ अवेलेबल है यार, जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको बिल्कुल, मतलब बढ़िया रेट पे, ऐसा ज़्यादा महंगे रेट नहीं है यहाँ पे। खाना लगभग हर किस्म का मिल जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सब किस्म का यहाँ पे खाना भी मिल जाएगा, क्या नाम है कि होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ मिल जाएंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग आगे जाना, और भीड़ भाई गजब है, भीड़ देखो लग रहा है कि इतनी बड़ी सिटी ऊपर हो गए। ये भीड़ देखो, अब ये भीड़ तो भाई दबा के है, मतलब भक्ति में शक्ति इसी को बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ना भक्ति में शक्ति, मतलब इतना ऊपर होने के बावजूद भी, इतना मतलब थोड़ा महंगा होने के बावजूद भी इतनी भीड़ लगी है भाई, सोचे मतलब बता नहीं सकता भाई, गजब का भीड़ लग रहा है। तो फिलहाल तो हमको दिख गया मेन गेट, ये पता नहीं कितना हमको चलना, हमने खुद नहीं बताया, अन्नम सेंटर, ये है अन्नम सेंटर, प्रसादम, यानी कि मेरे पीछे दिख रहा है वहाँ पे मिलता है खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो पहले हम लोग तब तक भीड़ खत्म तक हम लोग मंदिर के दर्शन करे आते हैं, किसी दूरी पे है, मज़ा आ रहा है यार, अब थोड़ा लग रहा है शरीर के अंदर जान आ गई है बिल्कुल ऊपर आने के बाद, एनर्जी मिल रही है, बिल्कुल एनर्जी सब महसूस हो रहा है अंदर, काफ़ी एनर्जी आ गया सब लग रहा है, भक्ति है भक्ति। मतलब मंदिर के मेन प्रांगण में इस साइड है मेन टेंपल, तिरुमली मेन टेंपल, तिरुपति बालाजी जो है मेन टेंपल, ये रहा, मैं दिखाता हूँ अच्छे से, ये मेन टेंपल दिख रहा है, जो गोल्ड का वही है मेन टेंपल, मेन टेंपल है, पूरा हॉल है। भी थोड़ा जा रहा है ग्राउंड की तरफ, आराम आराम से ग्राउंड की तरफ जाते जाते सीढ़ियाँ, बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन सी हो रही है, तो मेरे पीछे आपको दिख रहा है टेंपल नहीं है, वो है मेन गेट से आप एंट्री लेंगे, और उसके आगे आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि उसके आगे आप कैमरा बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, वैसे गलती मत कीजिए कैमरा लाने ले जाने की, और ना ही फ़ोन ले जा सकते, अगर मान लीजिए कि प्रशासन ने आपको पकड़ा तो आप बिल्कुल भी फ़ोन या फिर जो भी है कैमरा वो मिलेगा नहीं आपको, तो ऐसी गलती आप मत कीजिए, आइए इन्जॉय कीजिए, अच्छा से घूमिए, काफ़ी एडवेंचर है, वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस लीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपका पैसे भी सेव हो जाएंगे, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो बाय बाय, टाटा, लव यू। बनी हुई है तो आई थिंक इसको गवर्नमेंट ने यहाँ बनाया है, या फिर जगह जेल है, ये जेल है छोटा सा।